चीन और अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना ने एक बार फिर विकराल रूप धारण कर लिया है, जिसे देखते हुए भारत में भी डर की स्थिति बन गई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत के हर राज्यों को कोरोना के प्रति सतर्क रहने और जरूरी कदम उठाने की सलाह दी है, ताकि हमारे देश में कोरोना एक बार फिर से पैर न फैला सके। वहीं बात करें बिहार की, तो बिहार में भी कोरोना को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को फिर से मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है, साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने को कहा गया है। राज्य सरकार ने कहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, साथ ही स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। पटना के IGMS अस्पताल में 15 बेड का कोरोना वार्ड तैयार किया गया है। इस कोरोना वार्ड में ऑक्सीजन, सक्शन पाइप और कंस्ट्रेटर की हर बेड पर व्यवस्था की गई है। वहीं जीनोम सीक्वेंस को लेकर भी तैयारियां कर ली गई हैं। अस्पताल के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि अब कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आते हैं तो उनमें वेरिएंट की मारक क्षमता को देखने के लिए जीनोम सीक्वेंस की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार में अब चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम इस बार बेहतर तरीके से तैयार हैं। कोरोना का इलाज डॉक्टरों और स्टाफ को पहले से ही पता है। वहीं पटना एयरपोर्ट पर, साथ ही पटना जंक्शन पर कोरोना जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीम की तैनाती भी की जा चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में सबसे ज्यादा टीकाकरण हो रहा है। बिहार में कोरोना के मामले ना के बराबर है। चीन में जिस तरीके से कोरोना का मामला बढ़ रहा है, उसको लेकर ये बातें उठ रही हैं। बिहार में रोजाना 8 लाख के आसपास जांच हो रही है। देश में भी कोरोना के मामले ना के बराबर हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतनराम मांझी ने ट्वीट कर लिखा है कि चीन में कोविड के कहर को देखते हुए मैं केंद्र सरकार एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करता हूं कि अविलंब चीन से आने वाले तमाम फ्लाइट्स पर रोक लगा दें, ताकि चीन की महामारी भारत में ना फैल सके। यही राष्ट्रहित भी होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहें लोकआवाज़। धन्यवाद।